Hello, good morning students. Today in 9th class science, we will be starting today the chapter end exercise of Newton's laws of motion. Science में अभी हम लोगों ने we have finished the theory portion, concepts सारे discuss कर लिए हैं और अब आज अभी हम लोग numericals या जो chapter end exercise है वो अभी हम लोग discuss करेंगे. तो book सामने रखिएगा, question number 1 देख लो. क्वेश्चन नंबर 1 में एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स. जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ऐसा कुछ दिया हुआ है, मतलब फोर्स जो है बच्चों जीरो है. फोर्स अगर जीरो है, इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रैवलिंग विद नॉन जीरो वेलोसिटी? तो बच्चों ऐसा लगता है, सपोज इफ नो फोर्स, इफ नेट अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो, दिस डज नॉट मीन दैट नो फोर्स इज एक्टिंग. अभी हम लोग ये बोलते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इज इट पॉसिबल फॉर नेट अनबैलेंस फोर्स टू बी जीरो? तो यस, दिस इज पॉसिबल. हम लोग कहते हैं फोर्स जीरो होने का मतलब क्या होता है? फोर्स जीरो होने का मतलब एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास. फोर्स डिवाइडेड बाय मास यानी जीरो डिवाइडेड बाय मास यानी जीरो. एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब ये होता है आइदर द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी. तो ये इन्होंने बोला हुआ है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी. अब एग्जांपल के लिए अभी हम लोग कहते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल इफ समवन इज साइकिलिंग ऑन अ रफ सरफेस, अगर कोई साइकिल कर रहा है तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट ऐसा कुछ मूव कर रहा है, ये अप्लाइड एफर्ट है, ये अप्लाइड एफर्ट है और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बैलेंस करने के लिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बैलेंस करने के लिए आपने कुछ एफर्ट अप्लाई किया है और ये अप्लाइड एफर्ट एग्जैक्टली इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर है तो ऑब्जेक्ट विल बी मूविंग विद व्हाट, अ कांस्टेंट वेलोसिटी. तो आंसर इसका क्या रहेगा बच्चों? आंसर इसका यस रहेगा. यस, द ऑब्जेक्ट कैन ट्रैवल विद व्हाट, अ कांस्टेंट वेलोसिटी इवन इफ द नेट अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो. दिस विल बी पॉसिबल व्हेन द अप्लाइड एफर्ट जस्ट बैलेंसेज व्हाट, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. और अगर अप्लाइड एफर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से अगर ज्यादा हो गया तो ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा. ऑब्जेक्ट अगर एक्सेलरेट करेगा मतलब वेलोसिटी उसकी इंक्रीज होगी या चेंज होगी, है ना. तो लेकिन इसमें प्रॉब्लम में दिया हुआ है दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना. सो इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी देन द अप्लाइड एफर्ट विल बी इक्वल टू व्हाट, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. चलो नेक्स्ट, इसके बाद नेट फोर्स, इस केस में नेट फोर्स बच्चों जीरो आएगा. नेट फोर्स जीरो का मतलब है एक्सेलरेशन जीरो आएगा. एक्सेलरेशन जीरो का मतलब है ये कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी. अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो इसका. व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक डस्ट पार्टिकल्स कम आउट ऑफ इट. ये डस्टिंग ऑफ अ कारपेट बच्चों एक क्लासिकल एग्जांपल है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का. अगर अभी हम लोग कंसिडर करें डस्टिंग ऑफ अ कारपेट, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए. डस्टिंग ऑफ अ कारपेट, तो डस्टिंग ऑफ अ कारपेट कैसे करते हैं बच्चों? आप किसी एक कारपेट को किसी एक जगह पर, सपोज कारपेट इज सस्पेंडेड, किसी एक जगह पर सस्पेंड करके किसी एक जगह पर उसको लटकाकर, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल ये कारपेट है, इसको अगर आपको डस्ट करना है देन यू विल बी बीटिंग दिस विद अ स्टिक, है ना. यू विल बी अप्लाइंग व्हाट, अ फोर्स विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक. तो इसमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट लगता है. इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है? अगर आपने स्टिक से फोर्स अप्लाई किया तो इनिशियली कारपेट प्लस द डस्ट पार्टिकल्स, दीज आर एट रेस्ट.
when the force is applied with the help of a stick, when it is struck by a stick, अगर आपने इसको इसको स्टिक की मदद से स्ट्राइक किया, देन कारपेट मूव्स, कारपेट जो है अपनी जगह से मूव कर जाएगा। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, अगर आपने ये कारपेट यहां कहीं पर सस्पेंड किया, एंड इफ दिस इज स्ट्रक विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक, देन व्हाट विल हैपन, द कारपेट विल मूव फॉरवर्ड। अब इसके जो डस्ट पार्टिकल्स थे, those are not a part of the carpet, मतलब कारपेट के जो पोर्स हैं उसके अंदर फंसे हुए हैं, है ना। So those dust particles are placed between the pores of the carpet. When a force is applied, then what happens? The carpet moves. The carpet moves and the dust particles tend to remain at rest. The carpet moves forward, carpet आगे move कर जाएगा, लेकिन एक एक dust particle को तो आपने motion नहीं दिया, है ना। एक एक डस्ट पार्टिकल को मोशन नहीं दिया तो क्या होगा, ये कारपेट आगे बढ़ जाएगा, डस्ट पार्टिकल्स रेस्ट पर ही रहेंगे, रेस्ट पर थे, रेस्ट पर रहने की टेंडेंसी रहेगी, है ना। सो व्हेन इट इज स्ट्रक बाय अ स्टिक, द कारपेट मूव्स एंड द डस्ट पार्टिकल्स टेंड टू रिमेन एट रेस्ट, and hence fall downward, ऐसा कह सकते हैं। बस ये रीजन है, अभी हमने एग्जैक्ट रीजन लिखवा भी दिया आपको। अब इसमें देखो, तो इसमें क्या चीज अप्लाई हो रही है बच्चों, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अप्लाई हो रहा है, एंड इनर्शिया ऑफ रेस्ट इसमें यूज हो रहा है। द डस्ट पार्टिकल्स and the carpet initially at rest and when it is struck by a stick, the carpet moves forward and the dust particles which were at rest tend to remain at rest. Ab imagine karna, question apna khatam ho gaya, answer bhi khatam ho gaya, we have finished answering this question, but I am putting an imaginary condition. Suppose if this is made wet, कारपेट को आपने गीला कर दिया, तो क्या होगा, नाउ द डस्ट पार्टिकल्स विल नाउ बिकम अ पार्ट ऑफ द कारपेट। अगर मॉइस्चर आ गया कारपेट में, तो बीटिंग इट बाय अ स्टिक विल नॉट रिमूव द डस्ट पार्टिकल्स, बिकॉज नाउ द डस्ट पार्टिकल्स विल बिकम अ पार्ट ऑफ द कारपेट, एंड इफ यू आर स्ट्राइकिंग दिस विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक, अगर आपने गीले कारपेट को स्टिक से स्ट्राइक किया, तो डस्ट पार्टिकल्स भी कारपेट के साथ चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो पानी है, वाटर नाउ एक्ट्स एज अ एडहेसिव एंड द डस्ट पार्टिकल्स गेट स्टक टू द कारपेट। तो गीले कारपेट में कभी ये पॉसिबल नहीं होता। सो वी से दैट डस्टिंग ऑफ अ ड्राई कारपेट, ये अभी हमने लिख दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई इज इट एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ अ बस विद द हेल्प ऑफ अ रूफ। अब इसमें भी बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में भी क्या चीज अप्लाई होगी, इसमें भी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अप्लाई होगा, और इसमें इनर्शिया अप्लाई होगा। सपोज दिस इज अ बस विच इज मूविंग एंड द लगेज इज प्लेस्ड हियर। अब इसमें अगर आपने ब्रेक सप्लाई किए, सपोज यू आर प्लेसिंग दिस एट समवेयर हियर, दिस इज द लगेज, सपोज इफ ब्रेक्स आर अप्लाइड, दिस वाज मूविंग इनिशियली, अभी हम लोगों ने बोला ये जो भी ऑब्जेक्ट था, जो लगेज था, वो बस के ऊपर था, और वो बोथ ऑफ दीज आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, बट इफ ब्रेक्स आर अप्लाइड, देन व्हाट विल हैपन, this will come to rest, the bus will come to rest, but the object which is placed on the top will continue the motion. अगर नीचे वाले object में brakes लगा दिए, मतलब bus में brakes लगाते हो, ऊपर जो रखा हुआ luggage है उसमें तो brakes नहीं है, so as soon as you apply the brakes, the bus stops, but what happens to the luggage?
लगेज कंटिन्यूज द मोशन, एनी ऑब्जेक्ट इन मोशन टेंड्स टू कंटिन्यू इट्स मोशन। तो भैया जैसे ही ब्रेक लगाए तो बस तो रुक गई, लेकिन लगेज को क्या हुआ, लगेज ने बोला हम तो चलते जा रहे हैं, हम चलते ही रहेंगे, है ना, तो चलता रहेगा। और अभी हम लोग क्या कहते हैं, दिस कम्स टू रेस्ट एंड दिस कंटिन्यूज द मोशन, मोशन कंटिन्यू करेगा तो दिस विल फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये आगे की तरफ गिर जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, ये आगे हमने इसलिए बनाया था क्योंकि इसको आगे गिराना था। पीछे वाले को क्या होगा, पीछे वाला बच्चों जो पीछे वाला है, जैसे ही अभी आप ब्रेक लगाओगे ये अपना मोशन कंटिन्यू करेगा और यहां पर आ जाएगा, है ना, ऐसा कुछ होगा। तो वी आर नॉट डिस्कसिंग दिस पार्ट इन सो मच डिटेल कि कहां पर रखा हुआ, कितना चलेगा, दैट वी आर नॉट डिस्कसिंग, लेकिन अभी हम लोगों ने बता दिया। व्हाट हैपेंस इफ द मोशन स्टार्ट सडनली, अगर इसने सडनली मोशन स्टार्ट किया, बोथ द बस एंड द लगेज वर एट रेस्ट, दोनों चीजें रेस्ट पर थी, इसने चलना शुरू कर दिया, ये रेस्ट पर है, रेस्ट पर ही रहने की कोशिश करेगा, बस आगे निकल गई, व्हाट विल हैपन, दिस विल फॉल इन, दिस मे फॉल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इफ द बस स्टार्ट सडनली, है ना, सडनली अगर एक्सेलेरेट करे। फिर यही चीज बच्चों किसमें होगी, स्ट्रेट लाइन मोशन में, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन एंड सडनली इट टेक्स अ टर्न, द बस टेक्स अ टर्न, व्हाट विल हैपन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन काम करेगा। अभी हमने बोला आपको एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, सपोज ये बस है, इस बस के ऊपर ये लगेज है, दिस इज द लगेज, इफ दिस इज मूविंग इन स्ट्रेट डायरेक्शन, ये तो अभी से ही गिर गया, इसमें इफ दिस इज मूविंग इन स्ट्रेट डायरेक्शन देन नो प्रॉब्लम विल अकर, बट इफ इट टेक्स अ टर्न सडनली, अगर इसने सडनली टर्न लिया, व्हाट विल हैपन, दिस विल टेंड टू कंटिन्यू द मोशन, ये मोशन स्ट्रेट लाइन में कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा, है ना, तो स्ट्रेट अगर जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर स्ट्रेट जाते जाते टर्न ले लिया तो ये देखो, दिस टेंड्स टू कंटिन्यू द मोशन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन में मोशन कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा, बस तो टर्न हो जाएगी, क्यों, बस में एक स्टीयरिंग है, उसकी मदद से ये टर्न हो जाएगी, लेकिन जो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पर चल रहा था, ये पूरी बस ऐसे स्ट्रेट लाइन में चल रही थी, अचानक से टर्न ले लिया, अचानक से अगर टर्न लेंगे तो क्या होगा, बस में तो स्टीयरिंग है जो कि इसको टर्न कर देगा, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में चलने की कोशिश करेगा, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन लगेगा। तो तीन रीजंस हैं लगेज के गिरने के, क्या, व्हेन द बस स्टॉप सडनली, अगर रुक जाए तो क्या होगा, आगे की तरफ गिरेगा, व्हेन इट स्टार्ट सडनली, सडनली स्टार्ट करेगा तो पीछे की तरफ गिरेगा, एंड व्हेन इट टेक्स अ शार्प टर्न देन ऑल्सो इट फॉल्स। सो व्हाट इज द वे आउट, द वे आउट इज व्हाट, टाई दिस विद द हेल्प ऑफ अ रोप। तो आपने देखा मोस्टली बसेस में लगेज जो है उसको आप एक रस्सी से बांध कर रखते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 जो है एमसीक्यू टाइप का है, क्वेश्चन 4 देख लो, अ बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन द लेवल ग्राउंड आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस, द बॉल कम्स टू रेस्ट। बच्चों इसमें इसने बोला कि एक बॉल को किसी बैट्समैन ने हिट किया और ये बॉल जो है रोल करके कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके ये रेस्ट पर आ गई। अब बैट्समैन हिट्स अ बॉल, द बॉल रोल सम डिस्टेंस एंड देन कम्स टू रेस्ट, दिस इज हैविंग सपोज 10 मीटर्स पर सेकेंड, आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस सपोज सिर्फ 14 मीटर्स, दिस कम्स टू रेस्ट। तो अब इसमें इन्होंने क्या पूछा, रीजन पूछा है, तो रीजन क्या है बच्चों, रेस्ट पर क्यों आ रहा है, कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉल अगर रोल कर रही है तो रोल करते करते रेस्ट पर क्यों आ जाएगी, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना। अब इसमें देखो, द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ, पहला ऑप्शन, ये तो गलत है, कितना भी हार्ड हिट करेगा तो वेलोसिटी ज्यादा आएगी, वेलोसिटी अगर ज्यादा आएगी तो ज्यादा डिस्टेंस रोल करेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट, सो फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल,
वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स। हाँ माही बिल्कुल सही है, माही बेटा बिल्कुल सही। देर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, देर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन विच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो ऑब्वियसली वी से दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच अपोजेज द मोशन ऑफ द बॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉल कमिंग टू रेस्ट। चलो नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर फाइव देखो। क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फाइव, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। देखो बच्चों, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या है, यू की वैल्यू जीरो है, ठीक। अब इसके बाद इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर्स इन 20 सेकेंड्स, तो एस की वैल्यू 400 मीटर्स है ना, और टाइम जो है बच्चों 20 सेकेंड्स, ऐसा कुछ दिया है। फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन एंड फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 टन्स, है ना, ठीक है। अभी हम लोग मास जो है 7 टन्स दिया है, मतलब 7000 केजी, ठीक है। ओहो एक्सेलरेशन, अब इसमें देखो हम लोग क्या बोलेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर लो। एस कितना है बच्चों, एस 400 है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो ये जीरो आ गया, प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, तो टी 20 है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 400 इंटू टू डिवाइडेड बाय 20 इंटू 20 इज इक्वल टू ए, तो एक्सेलरेशन बच्चों इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये 400 आ जाएगा, तो ए विल बी इक्वल टू 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, बिल्कुल सही। ओके कनिष्का 14,000 न्यूटन, कनिष्का उन्नति दोनों ने आंसर दे दिया दोनों। चलो अब इसके बाद फोर्स कितना आ जाएगा, फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 7000 इनटू एक्सेलरेशन 2 है, सो दिस विल बी 14,000 न्यूटन्स। सो दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, अ स्टोन ऑफ 1 केजी इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर्स पर सेकेंड, अ स्टोन ऑफ 1 केजी, स्टोन बहुत बड़ा है ना, मास 1 केजी, मास 1 केजी इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर्स पर सेकेंड, तो यू की वैल्यू बच्चों 20 मीटर्स पर सेकेंड दिया है। अब इसके बाद क्या दिया है, अक्रॉस द फ्रोजन सर्फेस ऑफ अ लेक एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग। अब इसमें इन्होंने बोला एक फ्रोजन लेक है ना, उसमें 20 मीटर्स पर सेकेंड से आपने थ्रो किया एंड फाइनली इट कम्स टू रेस्ट, मतलब ये जो है कुछ वेलोसिटी से थ्रो किया, अंदर जाकर पियर्सेस द आइस और द फ्रोजन लेक एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स,
एस की वैल्यू 50 मीटर्स। अब इसमें इन्होंने क्या बोला है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, आपको फोर्स निकालना है बच्चों। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट रुक रहा है, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज स्टॉपिंग, देन व्हाट हैपेंस, सम ओपोजिंग फोर्सेस एक्टिंग, एंड इन दिस केस द ओपोजिंग फोर्स इज व्हाट, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये ओपोजिंग फोर्स निकालेंगे कैसे, ओपोजिंग फोर्स निकालने का तरीका है फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास तो मालूम है ना, एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए किस चीज का यूज करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब v स्क्वायर यानी जीरो स्क्वायर, u स्क्वायर इंटू a इंटू s कितना है बच्चों, s की वैल्यू 50। तो अब क्या कर सकते हैं इसमें, अभी हम लोग a निकाल सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 50 इंटू ए, तो ए की वैल्यू माइनस 400 अपॉन 100 यानी माइनस 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गया। अब ये एक्सेलरेशन नेगेटिव आया है जो कि ये शो कर रहा है, ओके एक्सेलरेशन नेगेटिव आया है जो कि ये शो कर रहा है कि ये रिटार्डेशन है। अब इसके बाद फोर्स कैसे मिलेगा, फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास 1 है, एक्सेलरेशन माइनस 4 है, सो दिस विल बी माइनस 4 न्यूटन, है ना। ये नेगेटिव फोर्स क्या शो करता है, हाँ अक्षिता ठीक है बेटा, इसमें ये फोर्स सही किया बच्चों, बहुत सारे लोगों के आंसर्स आ गए, गुड इट्स गुड, यू आर गेटिंग द आंसर्स, है ना, अच्छी बात है। अब देखो फोर्स जो है बच्चों माइनस 4 न्यूटन आया, दिस नेगेटिव साइन शोज दैट दिस इज अ रिटार्डिंग फोर्स, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, दैट दिस इज अपोजिंग द मोशन, सो दिस इज एन अपोजिंग फोर्स। एंड द अपोजिंग फोर्स इज 4 न्यूटन, माइनस साइन का मतलब मालूम होना चाहिए, आंसर अभी आप पॉजिटिव स्पेसिफाई कर सकते हैं। चलो ये क्वेश्चन नंबर 6 था, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या दिया बच्चों देखो, 8000 केजी इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स पुल्स अ ट्रेन ऑफ वैगन 5 वैगन्स ईच ऑफ 2000 है ना, मास ऑफ द इंजन बच्चों, मास ऑफ द इंजन एट थाउजेंड केजी है ना। अब इसके बाद मास ऑफ द वैगन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स ईच ऑफ 2000 केजी, मास ऑफ 5 वैगन्स फाइव इंटू 2000 विच विल बी 10,000 केजी, ऐसा कुछ है। इसके बाद क्या दिया है, इफ द इंजन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन एंड द ट्रैक ऑफर्स अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 5,000 न्यूटन। अब इसमें बच्चों जो इंजन फोर्स लगा रहा है वो कितना है, वो 40,000 है, इंजन ने जो फोर्स लगाया वो 40,000 है। अब इसके बाद देखो फोर्स एक्सर्टेड
by the engine 40,000 न्यूटन, ऐसा कुछ दिया। फिर उसके बाद फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब अच्छे समझ लो, देखो डेटा बहुत सारा है लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 5,000। तो अब कैसे मिलेगा? इसमें फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है? फर्स्ट पार्ट में दे आर आस्किंग फॉर नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना आ जाएगा? ये देखो, इसमें ऐसा कुछ फोर्स लग रहा है 40,000 और पीछे की तरफ लग रहा है कितना 5,000, है ना। तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स 40,000 माइनस 5,000 यानी कि कितना 35,000 न्यूटन आ गया। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है और क्या पूछा है? द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। तो बच्चों एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन अगर आपको निकालना है तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। क्यों? क्योंकि फोर्स की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब कौन सा वाला फोर्स यूज करेंगे? तो ये सोचने वाली बात है क्या कि 40,000 इंजन ने लगाया, अब ये तो खर्च हो गया, मतलब ये यूज हो गया किसमें? इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन। तो बचा कितना? नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स जो है ये नेट अनबैलेंस फोर्स है। और बच्चों एक्सेलरेशन किसकी वजह से आता है? अनबैलेंस फोर्स की वजह से। तो अब इसमें एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा? फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो फोर्स कितना है? 35,000। और मास कितना है? तो मास बच्चों कितना आएगा? 10,000 प्लस 8,000। ये आ जाएगा 35,000 डिवाइडेड बाय 18,000, है ना। तो ये सॉल्व करने पर 2 से थोड़ा सा कम आएगा, 2 से थोड़ा सा कम यानी कि ये आ जाएगा 1.9 कुछ, है ना। सो द आंसर, वी चेक द आंसर, दिस इज 1.944। ओके, ठीक है, मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है? द फोर्स ऑफ वैगन वन ऑन वैगन टू। फोर्स ऑफ वैगन वन ऑन वैगन टू। अब इसमें अच्छे से समझना, ये भी अभी हम आपको निकलवा के बताते हैं। क्वेश्चन फिर से देख लो, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट द फोर्स ऑफ वैगन वन ऑन वैगन टू। अब इसमें ये बच्चों इंजन है, इससे लगा हुआ वैगन वन है, ये इंजन है ई, इससे कनेक्टेड वैगन टू है, इससे कनेक्टेड वैगन थ्री है, इससे कनेक्टेड वैगन फोर है और इससे कनेक्टेड वैगन फाइव है, है ना। अब इसमें अच्छे से सोचना कि ये जो कनेक्टिंग लिंक है, ये जो कनेक्टिंग लिंक है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुलिंग ऑल दीज फोर वैगन्स। ये जो कनेक्टिंग लिंक है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कनेक्टिंग लिंक, लिंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुलिंग द लास्ट फोर वैगन्स, है ना। अब बच्चों ये अगर लिंक इन चार वैगन्स को पुल कर रही है, लास्ट फोर वैगन्स कौन कौन से? 2, 3, 4 एंड 5। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? इसके अंदर फोर्स, फोर्स इन दिस लिंक, ये जो कनेक्टिंग लिंक है, ये जो कनेक्शन है, इसमें फोर्स कैसे निकालोगे हम? ये लिंक कितने मास को पुल कर रही है?
कितने मास को पुल कर रही है? ये वाली लिंक जो है इन चार वैगन्स को पुल कर रही है, तो चार वैगन्स का मास कितना आ जाएगा? मास ऑफ फोर वैगन्स इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो पूरे सिस्टम का एक ही है, एक्सेलरेशन सभी का एक जैसा आएगा, तो ये मास ऑफ फोर वैगन्स कितना आएगा बच्चों? 8000 इनटू ये कितना 1.944 है ना। तो अब ये सॉल्व कर लो बच्चों, कितना आएगा? 8 4 32 3 8 4 32 and 3 35 3 8 9 72 and 3 75 7 8 1 8 and 7 15। तो ये बच्चों आ जाएगा कितना 15,552 न्यूटन्स। दिस वन द आंसर। तो इसमें ये चीज समझना, ये तो अभी इन लोगों ने ये पूछा था कि भाई इस वाले ने इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया, तो अभी हमने क्या किया था, कनेक्टिंग लिंक पे फोर्स लगा दिया। अगर आपको ये पूछा जाता कि वैगन टू ने वैगन थ्री के ऊपर कितना फोर्स लगाया, तो कैसे निकालते? फोर्स एक्सर्टेड बाय टू ऑन थ्री। तो बच्चों ये वाली लिंक तीन वैगन्स को पुल कर रही है, तो क्या करते हैं? मास तीन वैगन्स का इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना? 1.944 है ना। अब अगर इसमें निकालना होता तो ये वाली लिंक किसको पुल कर रही है? इन दोनों को पुल कर रही है। तो अब हम लोग इस वाले का फोर्स कैसे निकालते? इन दोनों का मास, इन दोनों का मास यानी कितना? 4000 इनटू एक्सेलरेशन यानी 1.944 है ना। ज्यादा पूछा नहीं है लेकिन अभी हमने ज्यादा बता दिया, आंसर तो आपका इतना ही मिला। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, वी विल कंटिन्यू विद द रिमेनिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द नेक्स्ट टाइम। दैट्स ऑल फॉर टुडे।